नमस्कार प्रणाम। समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरुआत करूं, लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगा। तमिलनाडु प्रकरण पर बिहार पुलिस ने हमारे एक URL पर यानी एक लिंक पर FIR दर्ज किया हुआ था। बिहार पुलिस ने आज नोटिस भेजा है और बड़े खुशी के साथ या दुख के साथ इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है कि गरीब मजदूर किसान मजदूरों की आवाज उठाते उठाते कानून के उस लंबी हाथ वाली गिरफ्त में मैं भी आ गया हूं। खैर ठीक है, कोई अपराध नहीं किया है, कहीं चोरी नहीं किया है, मक्कारी नहीं किया है, किसी का घर नहीं फूंका है, किसी का बलात्कार नहीं किया है, किसी का मर्डर नहीं किया है। इस बात का हमें गर्व है कि हमने गरीब और मजदूर किसानों की आवाज उठाया है। और अगर इसलिए FIR हुआ है तो कोई बात नहीं है, माननीय न्यायालय पर हमको भरोसा, इन तमाम बातों को हम माननीय न्यायालय में रखेंगे। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या अब आजाद देश में गरीबों की बात करना और इसके बाद गरीबों की आवाज उठाना, मजदूरों की आवाज उठाना गुनाह है क्या? अगर गुनाह है तो इस तरीके से कौन आवाज उठाएगा, कौन बिहार के लोगों की बात करेगा, कौन गरीबों की बात करेगा, कौन किसानों की बात करेगा? बड़े दुख के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं। हमें ठीक है, माननीय प्रशासन ने इन तमाम चीजों का संज्ञान लिया है तो हम जवाब देने के लिए बिल्कुल जाएंगे, माननीय न्यायालय में बात रखेंगे। लेकिन गुनाह बस इतना कि मजदूरों की बात करना गुनाह, मतलब एक समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जिस वीडियो के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, जिस वीडियो के ऊपर URL दर्ज हुआ है, मैंने उसमें कहीं भी पुष्टि नहीं की है। उस वीडियो को शायद से मैंने 4 या 5 मार्च को बनाया। उसमें मैं बोल रहा हूं कि तमाम जो है बिहार के मजदूरों को भगाया जा रहा है तमिलनाडु से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि जो है तमाम न्यूज पेपर्स और न्यूज चैनल्स कह रहे हैं। सर सबसे पहले हमको खबर कहां से मिली, इस खबर की भी तो पुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, बिहार पुलिस अगर हम छोटे छोटे लोगों को और इसके बाद जो है हम छोटे लोगों को टारगेट कर रही तो हमको फर्क नहीं पड़ता है। माननीय प्रशासन के सामने जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि सर जरा बताइए कि इस वीडियो में मैंने क्या भड़काने वाला बोला है, क्या दंगा फैलाने वाला बोला है, और अगर उस वीडियो में ऐसा कुछ है तो ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु के DGP वेलफेयर यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इसके दूसरे ही दिन, जिस दिन मैंने वीडियो डाला था, जिस वीडियो पे FIR हुआ है, उसके दूसरे ही दिन मैंने बात किया और उस वीडियो को लगभग 30-40 लाख लोगों ने देखा। और DGP वेलफेयर ने, तमिलनाडु के DGP वेलफेयर ने कहा कि रवि जी आपके वीडियो का इतना इफेक्ट पड़ा है कि जो मजदूर तमिलनाडु में डरे और सहमे थे वो उनके अंदर से डर खत्म हो गया है। और इसके बाद फिर मैंने DGP साहब को, वेलफेयर DGP को, जो एक सीनियर पदाधिकारी है तमिलनाडु में, उनको मैंने वीडियो कॉल पर जोड़ा। आज पता चला कि बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा है, व्हाट्सएप पर आया। इसके बाद तमाम इधर उधर मन जाने लगा कि अगर इस तरीके से होगा तो फिर आखिर कौन गरीबों की बात करेगा, कौन किसानों की बात करेगा, कौन जो है आवाज उठाएगा। बाकी डर नहीं है, सिकन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोई चोरी नहीं की है, किसी को मारा नहीं है, कोई देश जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी लोग हैं तो जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ, कोई आतंकवादी नहीं हूं। लेकिन सवाल बहुत है, अब माननीय न्यायालय के सामने इन तमाम चीजों को रखा जाएगा, लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए। सवाल अभी भी मन में गूंज रहा है। और जो है ठीक है, प्रशासन ने अपना जो है हस्तक्षेप किया इस मामले में। प्रशासन को शायद से लगता है कि मैंने इस तरीके का कुछ कांड किया है, तो प्रशासन स्वतंत्र है, लेकिन मैं भी स्वतंत्र हूं अपनी बात को रखने के लिए। और स्वतंत्रता वाले इस देश में अगर इस तरीके का होगा तो फिर शायद से अभिव्यक्ति वाली आजादी की जो परिभाषा दी जाती है, वो अभिव्यक्ति की आजादी कहां जीवंत रहेगी। जो है बहुत सारे लोग पीछे, बहुत दिन से जब से FIR की सूचना मिली थी, लोग बोल रहे थे आई सपोर्ट रवि भट्ट, मैं रवि भट्ट का समर्थन करता हूं, इनका दोष क्या है। ठीक है, आप समर्थन करें विरोध करें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन सवालों का जवाब आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आज मैं हूं, कल आप हो सकते हैं, कल अगर आप आवाज उठाएं तो आप पर भी कुछ इस तरीके के प्रकरण दर्ज हो सकते हैं। तो इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढिएगा, लेकिन बस इतना कहूंगा बोलना मत भूलिएगा। आजाद हैं आप, इस चीज का हक आपको हरदम होना चाहिए, और आजाद देश में आपको सवाल पूछने का अधिकार है। आप जब सत्ता को वोट देकर, नेताओं को वोट देकर सत्ता में बिठाकर उन्हें सर्वोपरि बना सकते हैं, उन्हें सर्वाहम बना सकते हैं कि आप हमारे सब कुछ हैं, तो आपका यह भी अधिकार है कि सत्ता से सवाल पूछिए।
शासन से सवाल पूछिए, अगर तमिलनाडु में जो है इस तरीके की घटनाएं क्यों घटित हुई, अगर इस तरीके की कोई बात है तो कहां से ये अफवाह उड़ी, किसने उड़ाया, उनके ऊपर कार्रवाई कब। बाकी आप लोगों ने बहुत समर्थन किया फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे पोस्ट किए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरीके का समर्थन हमारी बातों का निरंतर और हरदम करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग मुझे कई सालों से, एक डेढ़ सालों से देख रहे हैं, आपके लिए मैं लड़ा हूं, आपके लिए हर मोड़ पर खड़ा रहा हूं, किसानों की आवाज उठाया हूं, सवाल पूछने का काम किया हूं, सवाल पूछने से उत्तर भी मिला है, बहुत सारे लोगों को न्याय भी मिला है। लेकिन धन्यवाद देता हूं हाथ जोड़कर आप लोगों का कि आप लोगों ने 4-5 दिन में हमारा समर्थन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरीके का समर्थन दीजिएगा, समर्थन कीजिएगा। माननीय प्रशासन ने नोटिस भेजा है, उसका जवाब देंगे, कोई भागे हुए अपराधी नहीं है, कोई ऐसे आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज नहीं है। माननीय प्रशासन के सामने अपनी बातों को रखेंगे, हमारी बातों से प्रशासन तो संतुष्ट होगा तो अपने यथासंभव उचित कार्रवाई करेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा तो गर्व के साथ जेल जाएंगे। कोई जो है देश विरोधी गतिविधियों में थोड़ी शामिल हुए हैं, किसान की बात कर रहे थे, मजदूर की बात कर रहे थे, पीड़ित की बात कर रहे थे, गर्व के साथ जेल जाएंगे और आने के बाद वापस दुगना गति से लड़ेंगे। किसके लिए? आप सबके लिए, बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, सबके लिए लड़ेंगे। गर्व है कि आजाद हैं और आजाद देश में इस तरीके की भावनाओं को सामने, अभिव्यक्ति की आजादी को रखना पड़ रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, इस वीडियो को अभी तक देखे इसके लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, अगर जेल जाना पड़ा तो दोबारा निकलेंगे, दुगनी ऊर्जा गति से निकलेंगे और एक बढ़े हुए मनोबल के साथ बिहार में काम करेंगे, और जो लोग साथ दे रहे हैं या लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर सवाल पूछने का और सिस्टम से सवाल पूछने का काम करेंगे और आपके लिए लड़ने का काम करेंगे। बाकी भारत माता की जय, जय हिंद, जय बिहार।